जैन साथियों, मैं कमांडो जीवराज आज आपके लिए स्ट्रेचिंग यानी मसाज का वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो खिलाड़ियों के साथ साथ में जो धावक हैं उनके लिए, और सबसे बड़ी बात है कि आज के वीडियो में हम घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये वीडियो दिखा के सिखा सकते हैं कि अपने बूढ़े घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका मसाज कैसे किया जाए, उनके अगर मसल्स में दर्द है तो कैसे ठीक किया जाए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को घर के बच्चों को ज़रूर दिखाएं ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से अच्छे संस्कार सीख पाएँ और जैसे दादा और पोते का आपस का जो प्यार है वो बना रहे। तो आप सबसे विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि इस वीडियो को बच्चों को ज़रूर दिखाएं, साथ में जितने भी स्पोर्ट्स के बच्चे हैं वो सब इस वीडियो को देखें, आपको बहुत ही शानदार रिलैक्सेशन मिलेगा इन एक्सरसाइज और मसाज को करने के बाद में। तो आप डेमो के माध्यम से पूरा वीडियो देख सकते हैं। पाँव को यहाँ से पकड़ना है, अंगूठा दो नीचे से और इसको पकड़ेंगे हल्का सा, उसके बाद में इसको कंधे पर रखना है पाँव को और पिंडी को बाहर लगाते हल्का सा समझना है, बस हल्का झटका मार के छोड़। उसके बाद में पाँव का जो जॉइंट आप कर सकते हैं, जॉइंट की मसाज करें, पूरा बारीक बारीक मसल्स है या वेंस है उनकी मालिश करनी है, उसके बाद में साथियों टखने से नीचे का हिस्सा इसमें चूड़ी टाइप में क्रॉस करना है हल्का हल्का, बाल नहीं खुलने चाहिए, अगर किसी बुजुर्ग का कर रहे हैं तो हल्का हल्का टाइट करेगा, अंगूठे मुंह में देखोगे तो
उसके बाद में ये जो हिस्सा है इसको हल्के हल्के हाथ से उंगलियां गड़ोनी नहीं है, ये वाली इससे मालिश करनी है, ये वाला बाद में क्रॉस इस पांव को यहां से दबाना, हल्का सा दबाना, और ये वाला हिस्सा इसको धीरे धीरे दबाना। साथियों, अगर घुटने से नीचे का दर्द होता है तो उसकी जिम्मेवारी ज़्यादातर इस हिस्से की होती है। यहाँ पर पूरी वेंस आती है, नसें आती है, वो नर्वस सिस्टम है, वो यहाँ पर इकट्ठा होता है और यहाँ से आगे जाता है। अगर यहाँ से कोई भी वेंस अप डाउन हो जाती है तो पूरे नीचे के पाँव में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी मालिश करते हैं तो तेल लगा के इस हिस्से में और हल्का हल्का इस तरह से इसको मालिश करना है। बारीकी से देखना, इसमें कोई मसल्स में क्रैम्प तो नहीं है या किसी वेंस में गांठ तो नहीं बनी हुई है। इसको हल्के हल्के से और ऐसे सूंघ सूंघ के इसको और मालिश करनी है। उसके बाद में ये हिस्सा आता है घुटने का, दाएं बाएं का जॉइंट है वहाँ पर, तो वहाँ पर हल्के हल्के इस तरह से मसाज करनी है। दाएं बाएं क्रॉसिंग में खींचना है इसको। घुटने के नीचे की मालिश करने के बाद में घुटने के ऊपर के हिस्से में मालिश करनी है बारीकी से। यहाँ से हल्का हल्का इसको दबाना है, हल्का हल्का। ये वाला सिस्टम है, यहाँ से उंगली के माध्यम से धीरे धीरे प्रेस करते हुए नीचे की तरफ खींचना। इससे अगर घुटने में कहीं रनिंग करते समय के क्लोट बनाया तो क्लियर हो जाएगा। सेम इसके इस साइड में, ये जो कटोरी है इसके बीच में जो गैप है इसको धीरे धीरे नीचे लेके आना है। हल्का हल्का यहाँ से अंगूठे से दबाना है। घुटने की ये हिस्से की जो मसल्स है ना, यहाँ ज़्यादा दर्द होता है, तो इसको हल्का हल्का दबाना है। अगर किसी को दर्द है यहाँ पर तो फिटकरी के गर्म पानी से इसकी धुलाई कर सकते हैं आप, या नमक, मोटा नमक होता है, उसको गरम करके कपड़े में डाल के उसकी सिकाई कर सकते हैं। रनर का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा। इसके अलग मालिश है, अलग मसाज है। यहाँ से साइड से स्टार्ट करना है, ये वाला हल्का हल्का दबाते हुए उंगलियों का ये हिस्सा इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल नहीं करना है, ये वाला हल्का हल्का दबाते हैं, हल्का और आगे तक जाने दो इसको, हिप के ऊपर तक, फिर वापस। सेम अंदर के साइड बाद में चूड़ी चटाओ उसको, एक बार दाएं बाएं से, एक बार बाएं दाएं से। एक हाथ नीचे डालो यहां पर, दूसरे हाथ से पोस करना इसे, सेम हाथ को बढ़ाते जाओ और पोस करते रहो। वापस चेंज, जो हाथ ऊपर था उसको नीचे, नीचे वाले हाथ को ऊपर।
उंगलियों के पोरों का इस्तेमाल नहीं करना। कभी भी मसाज करते हो तो उंगलियों का ये हिस्सा नहीं, केवल ये हिस्सा यूज़ में लेना। अब इसी को सेम यहाँ से पूरा दबाना अच्छी तरह से। अब इसमें देखो आप उंगलियाँ ऐसे नहीं हैं, ऐसे नहीं उंगलियाँ ऐसे, ये ध्यान जरूर रखना आपने, क्योंकि इससे अगर बुजुर्ग की किसी की मसाज करेंगे तो उंगलियाँ ऐसे करने से ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। जिस तरह से थाई के बैक साइड में मसाज की थी उसी तरह से हम ऊपर भी कर लेंगे। ये वाले एक हाथ बाहर से सुपोर्ट दो, एक हाथ अंदर से बाकी बाहर वाला हाथ अंदर चला गया, अंदर वाला हाथ बाहर चला गया। जागते अगर साथियों, उसके बाद में हिप की एक्सरसाइज करनी है। हिप को अंगूठे का ये हिस्सा हल्का हल्का, ये हल्का हल्का हिप के ऊपर प्रेशर देना है, हल्का पूरे हिप के ऊपर। ये करने के बाद में पूरे हाथ से हिप में ये वाले मालिश करना है। दोनों हाथों को मिलाओ और उसको हाथ रख के घुमाओ। अब हाथ क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों साइड से घुमाओ, जिससे से लेकर यहाँ तक दोनों साइड से पूरा यहाँ से स्टार्ट करके पूरा दबाते हुए अंगूठा अंदर से लगा के यहाँ पर अंगूठा लगा के दोनों, और दोनों ये उंगलियाँ बड़ी वाली यहाँ पर रखो, छोटे दिला ये ऐसे रखते हुए पाँव को हल्का से क्या करना, इसको बाहर धक्का देते हुए हल्का सा खींच रखते ऐसे। अगर पाँव में कोई मसल चढ़ी हुई है तो सेट हो जाएगी। उसमें दोनों पाँव को दाएं बाएं से जमीन से टच करना है, पाँव से तरफ थोड़ा सा पाँव को खोलो और पाँव को अंदर की साइड में हल्का 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 हल्का, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, हल्का हल्का ढीला छोड़ दो, मसाज को ढीला छोड़ दो, पूरा मसाज करना। साथियों घुटने के नीचे हाथ लगाओ, पाँव को उठाओ, हल्का हल्का आगे लेके जाओ। आपका दूसरा पाँव इस थाई के ऊपर यहाँ रखो। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज आप किसी बुजुर्ग के साथ में कर रहे हैं तो बड़ी सावधानी से करना, और बेहतर है कि ना करें। यहाँ से घुटने के आगे हाथ रखते पूरा स्ट्रेच करो, उसको पूरा आगे तक जाने दो, जब तक जिसकी आप मसाज कर रहे हैं वो अपना बोले जब तक उसको पोज करते रहो। इसी का दूसरा स्टेप्स होता है, पाँव को थोड़ा घुटने पास शिफ्ट करो, एक हाथ यहाँ लगाओ एक हाथ घुटने पर, और दोनों साइड से धक्का देना है, घुटने पे भी प्रेस करना है और पंजे पर भी प्रेस करना है। ये सेम एक्सरसाइज दोनों पाँव में करनी है। साथियों घुटने पर हाथ रखो यहाँ पे, और इस पाँव को धीरे 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 उठाया, बराबर खड़े हो गए, ये वाला पाँव घुमाओ और यहाँ रख दो, इस पाँव को घुमा के आप घुटने के अंदर। अब हल्का हल्का आपको इसी कदम आगे बढ़ाना। ध्यान रहे दोस्तों ये एक्सरसाइज केवल यंगस्टर के लिए, पूरा ज्ञान है तो जब तक जिसके मसाज कर रहे हैं वह अपना बोले जब तक प्रेस करते रहो, छोड़ बॉडी को छोड़ अब बोल देना, वापस भी धीरे धीरे छोड़ना, कोई भी मसाज की एक्सरसाइज स्पीडली नहीं करनी।
साथियों दोनों पांव साथ में जॉइंट करते हैं और पीछे से हल्का दौड़ा, ध्यान रहे पंजा बाहर की तरफ होगा, ये आगे धक्के धीरे धीरे धक्का दो इसको और एडी है वो हिप के साथ टच कर दो, दोनों पंजों को बाहर की साइड में मिलाते रहे और यहाँ से हल्का हल्का किक करो उसको, ताकत केवल पंजे पर लगानी आती है। टखने के नीचे से पकड़ने के बाद उठाओ, हल्का से उठाओ, हल्का उठाओ और पांव यहाँ पर कमर में रखते हुए इसको हल्का सा पुश कर दो, बस धीरे धीरे वापस छोड़ दो। साथियों आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हल्के से, ये स्पाइनल कॉर्ड है इसके ऊपर हल्के से आपको इस तरह से चमड़ी को पकड़ते हुए मूवमेंट कराना, चमड़ी को छोड़ना नहीं है, स्लिप करते हुए आगे बढ़ना, बारीकी हो जाए इससे नर्व सिस्टम की जो नसें हैं वो धीरे धीरे खुल जाएगी। इसी का अगला स्टेप है आपके स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड में दबाते हुए हल्का हल्का धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं दबाना है और बूढ़े बुजुर्ग के साथ में जबरदस्ती भी नहीं करनी, हल्का हल्का दबाते हुए स्पाइनल कॉर्ड को बीच में रखते हुए नीचे तक लेके आना है। तो इसको हल्का हल्का चूठी भरनी है और ऊपर उठाना है, चकोटी काटनी है, ऊपर उठाना है। इसको थोड़ा ऊपर रखना, इसको मारते जाना, कुल्ले की हड्डी है, इस कुल्ले की हड्डी के नीचे यहाँ हाथ डालो और इस हाथ को यहाँ पर रखते हुए हल्का सी इसको खींचो, किसी बुजुर्ग के साथ में बड़ी सावधानी से करें ये एक्सरसाइज प्लीज़।
सेम दूसरी साइड से भी इसी तरह से पकड़ के खींचना है। उसके बाद में क्या करना है, दोनों के ऊपर हाथ रखिए इस तरह से और हल्का सा राइट खींचना है, सेम एक्सरसाइज लेफ्ट। जो रिब्स निकलती है, जो फसलियाँ निकलती है, एक एक फसली को पकड़ो और फसली के बीच में से हाथ रखते हुए धीरे 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 उसको नीचे तक लेके जाओ, जहाँ तक वो रिब्स फिनिश ना हो जाती। उसके बाद अगली इस तरह से ये प्रक्रिया जब तक रिब्स कंप्लीट ना हो जाए तब तक इसको कर दे। उसके बाद में एक हाथ यहाँ लेके जाओ नीचे, दूसरा हाथ यहाँ खुशी दो, खींच के से और थोड़ा सा घुमा कैसे, सेम प्रक्रिया इस साइड में आधे से लगाओ और घुमा बस। उसके बाद क्या करना, बड़े वाले हाथ से ऐसे साथियों दोनों हाथों को जोड़ो इस जोड़ में और यहाँ रखो और इसको ऐसे घुमाओ, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करना इसे अच्छे से। ये वाला हिस्सा यहाँ पर हाथ लो और धीरे धीरे खींचो धीरे। सो गया करे, नींद आ रही जबरदस्ती, इसको तो ऐसा लग रहा है जैसे नींद वाली गोली दे दी गई है। आज दिन बन गया जेठा का, इसको मैं मसाज हो, वैसे इसका एक फायदा हो जाएगा, जब रिश्ते वाले को फोटो भेजनी होगी ना तो केवल यूट्यूब कर लेंगे भेजना है, देख लो भी लड़का कैसा है। आपका ये हाथ गर्दन और कंधे के बीच लगा लो, यहाँ से पकड़ो इसको और सेम का सेम इसको धीरे धीरे इस तरह से, ये प्रक्रिया सेम शोल्डर का हिस्सा नहीं, ये शोल्डर की हड्डी है, इसको हल्का सा दबा दे, हल्का हल्का दबा दे इसको यहाँ तक लेके आओ इसको। उसके बाद में इसको शोल्डर को यहाँ लगाओ, नीचे आदर को और इसको जरा छोड़ दे, छोड़ दे, ये दबा दे। हल्का हल्का नीचे उतारो, इसको बड़ी बारीकी से और स्लोली दबाना, उंगलियों का फ्रंट यूज नहीं करना, ये वाले पोरे यूज करने और धीरे धीरे दबाते हुए आप बाजू की जो मसल्स होती है वहां तक लेके जाओ, बाजू के यहाँ तक जाने, सेम एक्सरसाइज दूसरे साइड से भी। अब थोड़ा सा उठाओ इसको, दोनों पाँव को नीचे लगाओ, ये गर्दन की ये जो पूरी हड्डी है ना ये वाली, इसको बारीकी से दबाना अंगूठी से, बिल्कुल बारीक बारीक से, यहां तक लेके आना। ये प्रक्रिया आपको 3-4 बार करनी है। सेम पाँव को उठाओ, पाँव को टखने के नीचे से पकड़ना है और इसको कलाई के नीचे से पकड़ना है, हल्का से उठाओ, हल्का हल्का, ये बूढ़े बुजुर्ग के साथ में एक्सरसाइज नहीं करना।
मेरा बेटा है 12 साल का और शाम को पर डे अपने दादाजी की या जो बड़े दादाजी हैं उनका पक्का आशीर्वाद लेके सोता है वो। जब भी घर पे होता है तो तसल्ली से मालिश करता है और इतनी जबरदस्त मालिश करता है कि दिल बाग बाग हो जाता है उनका। तो आप एक बार अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो बारीकी से अपने पापा को, अपने मम्मी को, अपने दादाजी को जो बोलना मैं आज आपकी मालिश करता हूँ और फिर देखो आपको कितना आनंद आता है। बारीकी से नाखून हल्का हल्का दबाना है, नाखून हल्का हल्का दबाना है। देखने में हल्का लग रहा है लेकिन ये सुकून देने वाली एक्सरसाइज है पूरी की पूरी। अंगूठा पकड़ो, हल्का घुमाओ, उंगली पकड़ो, हल्के घुमाओ, सेम इसको यहाँ लॉक करो अंगूठे में, उंगली में, और हल्का खींच दो इसे। इसको हल्के से मालिश करना है, हल्का बिल्कुल। इसको दबाने से धड़न भी नहीं पड़ती, अगर ज़्यादा दबाएंगे तो जिसको धड़न है वो निकल जाएगी। वैसे मेडिकल साइंस है वो धड़न को नहीं मानती लेकिन होता है। बारीक बारीक हड्डियों के बीच में जो स्पेस है उसको दबाते हुए ऊपर निकले, जिस तरह से मटर लगाते उस तरह से पूरे हाथ को गूंदो। पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा सुकून देने वाली एक्सरसाइज ये है। चाहो तो एक बार आजमा के देखना। साथियों सर दर्द की सबसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ अगर ये मसाज आप कर देंगे तो कितना ही भयंकर सर दर्द हो, स्ट्रेस का दर्द हो, गारंटी से सही हो जाएगा। आप इस मसाज को बारीकी से देखो साथियों, सर की मसाज तसल्ली देखो, हल्का हल्का आपका आगे चला जाएगा माथे के ऊपर और दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा लूज करते हो उंगलियों को, थोड़ा थोड़ा लूज करते हो इस तरह से, बारीक देखो बारीक ऊपर उठाना और यहाँ पर छोड़ना। इसी एक्सरसाइज को 4-5 बार करना ना। अभी क्या करना, दोनों हाथ यहाँ रखो, बारीक उठाना सर, स्टार्ट करो, दोनों हाथ यहाँ रखो, ये उंगलियाँ घुमाए नाक के ऊपर से जाएगी, ठुड्डी के नीचे से होके ऊपर आ जाएगा, ये सी पूरा का पूरा शरीर, फिर उंगलियाँ दोनों चारों नीचे लेके जाके और हल्का हल्का इसको ऊपर उठाओ और एक दूसरे को क्रॉस में डालो, कान के ऊपर की लो पकड़ो, हल्का से खींचो, हल्का से पीछे की लो पकड़ो, खींचो
थोड़ा सा नीचे किलो पकड़ो और खींचो। सेम प्रक्रिया, ये जो हिस्सा है इसको हल्का सा धीरे धीरे प्रेस करके ऊपर उठो, हल्का हल्का हल्का। सेम प्रक्रिया दोनों साइड करने, पीछे से। ये भुहें हैं, इसको हल्का 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 दबाना यार। यहाँ से पकड़ना, दो उंगलियां क्रॉस में लगानी और धीरे से खींचना ऊपर। उसके बाद में जो आपकी आईलिड है उसके आंख की पलक के ऊपर बदल जाए, उंगली रखो, हल्का हल्का घुमाओ, हल्का हल्का घुमाओ। नाक का जो ये हिस्सा है इसमें हल्का हल्का दबाओ, यहाँ हल्का हल्का दबाओ। ये वाला जो हिस्सा है फेस का साइड, उसको पकड़े थोड़ा सा बाहर खींचो, थोड़ा सा बाहर खींचो। इसे अगेन पूरा लेके जाओ चेहरे के ऊपर से, पूरा लेके जाके और इसको ऊपर करो। बालों को हल्के हल्के पकड़ना है और टाइट करना है। ज़्यादा जोर से नहीं मारना, नहीं तो वापस थपड़ी पड़ जाएगा ना। क्रॉस में दबाओ इसको, आज जेठा राम की मालिश की है हमने। पता भी मार का कैसा लगा? आज तो मज़ा ही आ गया। जोर जोर से बोल, जोर से। आज तो मज़ा ही आ गया, एकदम रिलीफ होगी। रिलीफ होगी। दोस्तों अगर आप दिल से वीडियो देख के बारीक बारीक इवेंट अगर सीखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपके घर की 20% बीमारी तो अपने आप दूर हो जाएगी। और जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनके बीच की कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी, प्यार बढ़ेगा, बच्चों को बुजुर्गों के पास बैठने का मौका मिलेगा और उनसे प्यार और आशीर्वाद दोनों चीज़ मिलेगी। तो दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि आप वीडियो देखें, बच्चों को दिखाएं। ये वीडियो स्पोर्ट्समैन के साथ साथ में घर के इवेंट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। घर में माताओं बहनों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को, किसी को दिक्कत है तो इस प्रकार की मसाज करवाने से आपकी हद तक समस्या दूर हो जाएगी। तो वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट जरूर करें ताकि अगली सीरीज में और जबरदस्त वाली एक्सरसाइज लेके आएं और आपके कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।